चार जानवर जो कुदरत के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को फुल नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। नंबर 4, वुड फ्रॉग। ये फ्रॉग की एक ऐसी प्रजाति है जो विंटर सीजन में खुद की बॉडी को फ्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा कैसे करते हैं, तो इसका जवाब ये है कि उनका लीवर ग्लाइकोजन को बड़ी मात्रा के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे उनकी बॉडी को लंबे समय तक एनर्जी मिले और वो अपनी हार्ट बीट को भी स्लो कर देते हैं। ये है हाइबरनेशन फ्रॉग्स में, लेकिन इस तरीके का हाइबरनेशन सिर्फ वुड फ्रॉग्स ही करते हैं। तो फ्रॉग्स ने फ्रीजिंग आइस को सर्वाइव करना तो सीख लिया है, क्या पता एक दिन वो गाड़ी चलाना भी सीख ले। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं। साले, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाएगा? नंबर 3, माउंटेन गोट। तो माउंटेन गोट्स की लाइफ उतनी आसान नहीं है। उनका शिकार करने के लिए इतने सारे प्रेडेटर्स होते हैं और उन्हें इतने ऊंचे पहाड़ों पर रहना पड़ता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और एक गलत कदम उन्हें मौत के मुंह तक पहुँचा सकता है। लेकिन अच्छा है कि इनके पास ये खुर होते हैं जिसे इंग्लिश में हूव्स बोलते हैं। इनके खुर का नीचे का हिस्सा सॉफ्ट होता है जो पत्थरों से चिपकता है, और ये याद रखना कि उनका खुर दो हिस्सों में बटा है जिससे वो पत्थरों के ऊपर ग्रिप बना सकते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस पर भी चलते हैं, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माउंटेन गोट्स अपने एनवायरनमेंट को डिफीट करते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। नंबर 2, लंग फिश। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। लेकिन लंग फिश एक ऐसी मछली है जो पानी के बाहर भी जिंदा रह सकती है। इस मछली के पास गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है और गर्मी के मौसम में नदी का पानी सूख जाता है, तब लंग फिश खुद को मिट्टी में गाड़ देती है। और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गड्ढे में होल्स होते हैं जिससे वो सांस ले सकते हैं, और जब बारिश फिर से शुरू हो जाती है तो वो इस गड्ढे के बाहर आती है और अपनी ज़िंदगी फिर आराम से जीती है। और बोनस फैक्ट ये है कि लंग फिश ऐसा 6 साल तक कर सकती है। हाँ, एक ऐसी मछली जो बिना पानी के 6 साल तक जिंदा रह सकती है। नंबर 1, टार्डीग्रेड। तो अब तक आपने जितने भी एनिमल्स के बारे में इस वीडियो में जाना, ये उन सबसे सबसे मिस्टीरियस है। टार्डीग्रेड जो 0.5 मिलीमीटर के प्राणी हैं, पर वो अर्थ के सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। टार्डीग्रेड्स बिना कुछ खाए पिए 30 साल तक जिंदा रह सकते हैं। वो बहुत गर्म और बहुत ठंडे टेम्परेचर्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, और वो इकलौते जानवर है जो स्पेस में भी जिंदा रह सकते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले, मुझे नहीं, टार्डीग्रेड को। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि टार्डीग्रेड्स कैसे मरते हैं, और मुझे ये पता चला कि टार्डीग्रेड्स सिर्फ 3 से 4 महीने तक जीते हैं, और कुछ स्पीशीज तो 2 साल तक जीते हैं। और थोड़ी और रिसर्च करने पर मुझे ये पता चला कि वो 151 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मिनट तक, -20 डिग्री सेल्सियस पर 30 साल तक, और -200 डिग्री सेल्सियस पर कुछ दिनों तक, और -272 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। भले ही टार्डीग्रेड्स इमोर्टल नहीं हैं, पर वो अर्थ के कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। शेर इतने आलसी क्यों होते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करो।